चल बस कर सीरियस ही हो गए, सीरियस ही हो गए। ऐसे ही अल्लाह ताला इन दोनों को खुश रखे। मैं दुआएं दे रहा हूँ, मैं तो मैं दुआएं दे कि सच मेरा काम है सबके सामने लेकर आना है, मेरे ज़रूरियात पूरी करे, मैंने अंगूठी दे के बिल जमा करवाया है। आप तो बड़े ख़िलाफ़ बातें कर रही थी, आज आपके साथ बैठा है, अब करें ना मुंह पे बात। आज इस बंदे की वजह से मेरा सारा तमाशा लगा, ना ये मुझे छोड़ के जाता तो ना मैं इतनी सोशल मीडिया पे गंदी होती। सारे तमाशे की पुआड़े की जड़ भी तुम थे। सब तो ज़्यादा वीडियो किन्ने लाइया उत्ते, यह भी दस लोगों। कैमरा भी ऑफ है ना? नहीं नहीं ऑन है, कैमरा चल रहा है, नहीं कट नहीं होगा, ये सब चलेगा। मतलब ड्रामे ही थे ये, सच निकल गया ना, ड्रामे ही थे। ड्रामे नहीं थे, सब तो बड़े पुआड़े की जड़ है, ये फड़ के कुटना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक कपल बहुत वायरल हुआ था, जिसकी मैंने आपको कहानी घर घर की बताया भी था, उनकी एक एक चीज़ की अपडेट दी थी, लाइबा और जबार की। आज वो दोनों मेरे साथ दोबारा मौजूद हैं, तो आज इनसे तल्ख सवाल मैं करूँगा क्योंकि मैं इनके साथ मौजूद हूँ। नाजरीन, ये टॉम एंड जेरी वाला कपल मौजूद है मेरे साथ, अब इसमें से फैसला करना है कि टॉम कौन है और जेरी कौन है। पहले तो मैं लाइबा से पूछूंगा, टॉम कौन है और जेरी कौन है आपके कपल में? ये थोड़ी उनसे बताएगी कि हम दोनों में से टॉम कौन और जेरी कौन है। मुझे तो यकीन करें, आपका कवरेज कर करके ना ऐसे लग रहा है कि एक अदद खलीलुर रहमान कमर आपके साथ होना चाहिए, जो आपकी सुलह कराए, आपके बारे में बात करे। खलीलुर रहमान की भी हमें एक मैसेज था हमारे लिए, सुनने में आया, अब ये पता नहीं सच है कि झूठा के फेक है। वो कहते हैं जी ये सारा जो कपल है ना, ये बहुत ही बड़ा ड्रामेबाज है। तो मैं सबसे पहली बात कहती हूँ कि आप तो खुद माशाल्लाह अच्छे खासे ड्रामेबाज हैं, आप हमें क्या ड्रामे। आपने कहीं ये कहानी लिखी तो नहीं थी अपनी कि पहले हम इस तरह वायरल होंगे उसके बाद इस तरह का स्टंट करेंगे? क्योंकि मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं और लोग ये कह रहे हैं बार बार कमेंट्स में कि जी ये दोनों मिले हुए आपस में, ये सिर्फ स्टंट खेल रहे हैं मशहूर होने के। हम माशाल्लाह पहले भी मशहूर थे, आपको पता ही है। मेरा ख्याल से अब हमें कोई मशहूरी की ज़रूरत नहीं थी, हम बहुत अच्छा जा रहा था कपल, रोमांटिक रोमांस करने वाला। एक सोशल मीडिया पे हमें पता चला था, हम अपनी हर तरह की वीडियो लगा रहे थे, किसिंग वाली, चुम्मियाँ पपियाँ वाली, मतलब कोई ऐसी चीज़ हमने छोड़ी नहीं थी जिससे हमें पता चलता था कि हमारा कपल फेमस है। तो ये सारी फेक बातें होती हैं लड़ाई झगड़ों में करके, तो हम तमाशा लगा के लोगों को कहेंगे जी लोग हमारे तरफ इंटरटेनमेंट करें। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि प्यारा कपल लगे, लड़ाई झगड़े से कोई इंटरटेनमेंट नहीं होता। खैर, मेरे ख्याल से लोगों ने जो तमाशा हमें समझा हुआ, हम उनकी बात का इसलिए बुरा नहीं मानते क्योंकि उनके घर में तमाशा। क्योंकि आपने ना एक मैंने देखा था, लोग आपको सिरप का नाम भी नीचे लिख रहे थे क्योंकि आपका लास्ट टाइम गला बहुत ख़राब था, वो कैसे ठीक किया? वो जबार की खुशी में, जबार की खुशी में गला ठीक हो गया। तो नाज़रीन, हमारे साथ जबार भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं असल कहानी, क्योंकि सच मेरा काम है सबके सामने लेकर आना। जी जबार भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जबार भाई, इतनी आपने बातें की सोशल मीडिया पे, आप रसीदें ले आए, आप कहते जी कि मैंने रहना नहीं है, ये मुझे लोगों को कह रही है मैं ड्रामेबाजी कर रहा हूँ, अचानक एकदम आपको क्या रहम आ गया और मोहब्बत हो गई, ये सब क्या है? नहीं, ये सब तो कुछ भी नहीं, लेकिन क्या बात है, असल में पहली हकीकत तो ये, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जो भी ड्रामा चल रहा था, जो लोगों ने चलाया था, फ्रॉडिया ये वो, क्योंकि मैं डिप्रेशन में आ गया था इन चीज़ों की वजह से, तो नहीं, ये मिली भगत तो नहीं आप दोनों की आपस में, स्टंट तो नहीं खेला? नहीं नहीं, हमने कोई स्टंट नहीं खेला था, ये रेल में लड़ाई चल गई हमारी, बहुत लड़ाई चल रही, ठीक है, इतनी चल गई थी ना, मैं अपने आप से बाहर हो गया हूँ। अच्छा, मैंने अब ये सुना है कि आप जड़ा वाला जब गए, आपने जहर की गोलियाँ खाई हैं और कह लाइबा आएगी मुझे लेकर जाए यहाँ से, इस तरह का सीन सच्चा है, सच्ची बात है ये? नहीं, ये सही बात है, क्योंकि जब रात को हमारी बात हो रही थी ना आपस में दोनों से की, ठीक है, मैं बहुत डिप्रेशन में था, मैंने इसको बोला मुझसे बात करें, फ़ोन नहीं बंद करना, ठीक है, तो ये भी अपनी डिप्रेशन की हालत में पड़ी हुई इधर, ना इसको कुछ खाने की है, ना मुझे कुछ खाने पीने की है, ठीक है, ये बार बार मेडिसिन लेके खा रही है, बार बार मेडिसिन लेके खा रही है, मुझे बहुत डिप्रेशन हुआ, ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो मैं फिर लड़े क्यों आप लोग जब इतनी मोहब्बत थी, फिर लड़ाई करने का मकसद क्या था? या तो लड़ते ही ना, जब मोहब्बत ही जाते ही ना छोड़ के। नहीं, वो तो अलग बात है, ठीक है, झगड़ा हो गया हमारा, तो मैंने भी सोचा सुबह जब उठा मैं 12 बजे, मैं बोला अगर ये इतना कुछ कर सकती चलो हम भी करते हैं, मैंने इसको फ़ोन किया अगर मुझे लेके जा सकती ना जड़ा वाला से, आपको ले जाओ, नहीं लेके जा सकती तो मैं अपने आप को कुछ कर दूँगा। आपको पता है आप एक यंग जनरेशन को मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपका कपल नहीं मानता तो आप पॉइजन खाएं, इस तरह का इस्तेमालात करें ताकि जो है इस तरह कपल मान जाता है, आपका पार्टनर मान जाता है, आप इस तरह का मैसेज दे रहे हैं लोगों को, आपको पता है? नहीं नहीं, मैसेज नहीं दे रहा, मैं तो अपनी बीवी के लिए मैसेज कर रहा हूँ, कोई कपल के लिए नहीं, हम आशिक मशूकों के लिए नहीं कर रहा। पहले सुना होगा कभी हीर रांझा होता था, लैला मजनू होता था, शशि पुनू होते थे, हमारा भी वैसा प्यारा दोनों का, तो वो भी इतना ही लड़ते थे सोशल मीडिया पे, ऐसे ही आते थे बार बार, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था ना,
सोशल मीडिया होता तो वो भी उनके भी इंटरव्यू ऐसे ही हो रहा थे। अच्छा आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मुझे गाड़ी लेके दे, मुझे बंगला लेके दे, मेरे ज़रूरियात पूरी करे, मैंने अंगूठी दे के बिल जमा करवाया है, आप तो बड़े ख़िलाफ़ बातें कर रही थी, आज आपके साथ बैठा है, आप करें ना मुँह पर बात। मेरे सबसे पहले तो आपको देख के हंसी निकल आई है, क्योंकि आप बातें ऐसी कर रहे हैं, पुरानी बातों को आप ओपन कर रहे हैं। जान के मैं चाहता हूँ ज़रा दोबारा जो बार ना आपसे लड़के जाए, हमें फिर स्टोरी मिले। ज़्यादा वास्ता जो बस कर दो सोशल मीडिया पे। बेसिकली नहीं, ये सच था, देखें इन्होंने अपनी सारी स्लिपें दिखा दी जो मुझे गिफ्ट किया हुआ था, मतलब देखो एक इन्होंने मेरे लिए प्लाट भी गिफ्ट किया, इनके बकौल इनके, फिर इन्होंने जड़ा वाले मेरे लिए घर बनाया हुआ था, बड़ा अच्छा डेकोरेशन करवाया, बड़ा मतलब एक अच्छा, इतना कुछ करने के बाद जब ये कमरे की बारी आई तो इन्होंने रसीदें दिखा दी, तो लोगों ने इनको कहा जी क्या तुमने रखेल रखी हुई थी, बीवी को तो कोई गिफ्ट दे के कभी भी नहीं बताता। तो मैंने फिर इसलिए बताया कि देखो अगर मैं स्टार हूँ या आर्टिस्ट हूँ तो भाई मेरी तो पहली बात आप अपने मुंह से क्यों कहती हैं, जब बार बार भी मुझे बार बार कह रहे थे अपने मुंह से कहती है मैं स्टार हूँ, स्टार शान ने कभी कहा मैं स्टार हूँ या सुल्तान रही ने कहा मैं स्टार हूँ। एक्सक्यूज मी, इस टाइम सोशल मीडिया की स्टारनेस की बात हो रही है। अच्छा जी, सोशल मीडिया पे मैं इस टाइम जो भी है हमारा इस टाइम आप लोग समझ रहे हैं, एक फेम लेने के लिए, तो फेम तो मैंने नहीं लिया ना, मेरा ख्याल से अगर मैं फेम लेना होता तो मेरा ख्याल से मुझे अपने लिए बड़ा कुछ करना पड़ता। मैंने ऐसा फेम क्या करना था जिस पर मैंने अपने बंदे को गंदा किया, बंदे ने मुझे गंदा किया, हम दोनों ने एक दूसरे को कुटन कटाई किया, मेरा मोबाइल भी टूट गया जिसमें मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ था, आपको पता होगा लास्ट गले पे मोबाइल मारा था, इसलिए बैठ गया था। अच्छा मेरी बात सुने, आपस में फिर ना लड़ पड़ना, मैं तो ये कह रहा हूं, एक सेकंड, हमें लड़ने की बात नहीं करी, आज इस बंदे की वजह से मेरा सारा तमाशा लगा, ना ये मुझे छोड़ के जाता तो ना मैं इतनी सोशल मीडिया पे गंदी होती, सारे तमाशे की पुआड़े की जड़ भी तुम थे। सब तो ज्यादा वीडियो किन्ने लाइया उत्ते, ए भी 10 लोका नु फफे कुटनी है, फफे कुटनी है 10 लोका नु, वीडियो तुम्हारी सब तो ज्यादा, ये देखे ये देखे ये मुझे मारो मारो लोगों के सामने मारो, लोगों को पता चले, लोगों को पता है ना सब तो ज्यादा सोशल मीडिया पे वीडियो कितनी लगियां ने। वैसे एक बात को, तमाशा मैंने भी बनाया था और तमाशा इन्होंने भी बनाया था, आज हम उससे जीता कौन है, किसकी सबसे ज्यादा वीडियो है ये तो बताएं। ये जीते पॉइजन खा के, मुझे जड़ा वाले बुला लिया, और लेकिन पॉइजन वैसे असल वाला खाया था कि दो नंबर खाया था कि बच भी जाए। नहीं मैं तो अपने आप फुली डिप्रेशन सी, मैं बस बाइकआउट कर देवा अपने आप, अगर कुछ हो जाता फिर बाइकआउट करते या मतलब दुनिया से बाइकआउट, अगर कुछ हो जाता फिर तो कोई बात नहीं, ऊपर जाके 70 हूरे मिलनी थी, आप मकसद नहीं समझी, मुसलमान को है ना 70 हूरे ऊपर जाके मिलती है, उन्होंने कहा ठीक है एक लाइबा ना सी ऊपर जाके 70 हूरे मिल जाएंगे। नहीं यार, नहीं यार, मुझे ऊपर भी मेरी बीवी चाहिए। कौन? लाइबा खान। वो देखें आपको मारने के चक्करों में। देखें गाइज, अगर हम दोनों ने मरना है ना तो फिर मेरा ख्याल से अल्लाह करे कि आप लोगों की दुआएं सच्ची होंगी, हमारा मरना भी इकट्ठा हो, हमारा जीना भी इकट्ठा हो, लेकिन ये इस तरह का मरना और इस तरह की लड़ाई और ड्रामे नहीं चाहिए कि जहाँ पे जाबर कवेर ने अपना आप दिखाया और मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरे सारे राज खोले कि तू कितनी बड़ी बला है। मेरी एक ही कोशिश होगी कि एक आपस की बात है, ठीक है आपने सोशल मीडिया पे इतनी हमारे ड्रामे देखे, हमारे मतलब ड्रामे ही थे, ये सच निकल गया ना, ड्रामे ही थे, ड्रामे नहीं थे, ड्रामे नहीं थे, मतलब ड्रामा ही हो जाता ना, आप इंटरव्यू पर रो रही हो, जाबर कवेर तुम अगर मुझे ना चाहूंगी, ये ड्रामा नहीं था, ये हकीकत था। अच्छा आप इस बारे में क्या कहेंगे, जब आप ये वीडियोस देखते थे क्या होता था फील, जब आपके एकदम नोटिफिकेशन आता था जब लाइबा ने एक और बयान दे दिया, क्या करते थे? मैंने बहुत गुस्सा आता सी, बहुत गुस्सा आता सी, इन्ना गुस्सा आता सी, मैं ये समझ नहीं आती वीडियो तो वीडियो इन्होंने तो लिबर्टी एक पिकनिक हाउस बनाया सी, उत्थे सारे नाल समोसे भी खाते सी ते नाल वीडियो भी बनाते सी, आ जाओ जी मैं लिबर्टी पे बैठा हुआ हूँ, प्लीज़ जिसने मेरा इंटरव्यू लेना आ जाओ, और बेचारे हमारे मीडिया वाले इतने अच्छे हैं, वो जाबर कवेर की खातर वहाँ पे जा रहे हैं, साथ इसको समोसे भी खिला रहे हैं, दही भल्ले भी खिला रहे, कहते काइंड इन्फॉर्मेशन लिबर्टी मैंने ही बुलाया था इनको, सब तो बड़े पुआड़े की जड़ है ये, इन्हें फड़ के कुटना चाहिए। लेकिन गाइस जो बाकी बहुत बहुत कुछ हो गया है इसमें, बहुत से तमाशे लग गए हैं, फेम तो मिला ना, ऐसा फेम नहीं चाहिए जिसमें मियाँ बीवी को तो मतलब आप हम लोग एक दूसरे को गंदा करें, लोग हम पे लानते डाल रहे थे, लोगों ने हमें मतलब इतना बैड कमेंट बोला, लोगों ने लगा कि ये सारी फेक स्टोरी है, हकीकत में आज हम दोनों कसम खाते हैं कि हम कभी भी लड़ेंगे नहीं, अगर लड़ेंगे भी तो सोशल मीडिया फिर आ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं इतनी फ्रेशनेस का राज क्या है, पहले तो आप यूं करके बैठी होती थी और कहती थी जबार मुझे छोड़ के चला गया, जबार मुझे छोड़ गए, जबार ने कमरे के पैसे भी ले ली, इस तरह की बातें आप कह रही थी, अब क्या हुआ? मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मेरा फंक्शन आ रहे हैं, आपको पता है मेरी मेहंदी आ रही है और मेरी वेडिंग का मतलब सारा इंतज़ाम हो रहा है, आपको पता है हमने शॉपिंग भी स्टार्ट करनी है, इवेंट्स के हमने उत्थे ना पहुंच जाना, तो सारे मेहरबानी तुहाडी सारी, समझ आ गई, मैं अल्लाह दे हुक्म नाल बाया लै के देवांगा, एक अच्छी नेक बीवी बनावांगा इंशाल्लाह। वाह वाह, होर दसो आप बताएं, अब आए मैं आप आएंगी मेहंदी पे तेरी
भाजी को मैं नचाऊंगी, समझ आ गई? ये क्या हो रहा है तमाशे का? ओहो मैं वैसे अबाया नहीं पहनना आपने? मैं भाई बहन से तेरा ब्याह किया, सोशल मीडिया पे कैमरा बंद कराना, एक सेकंड। नहीं नहीं मेरी बात सुने, अबाया की बात, लोग तो खुश होते हैं कहते हैं अबाया पहनाए। हाँ जी मैंने अबाया पहनाना है, मेहंदी वाला तो सूट लेदा होगा ना, अबाया तो होगा ना बाहर जाने आने के लिए। क्यों मैं तेरे पास एक कार्टून ना, मैंने मुंह लगा कर अबाया पहना के रखूंगा। नाजरीन ये आपने कपल देखा, ये इतना वायरल हुआ कपल सोशल मीडिया पे, तो हमारी तो दुआ है फलक शेख ऑफिशियल की दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ऐसे ही खुश रखे हमेशा। और भाई खबरदार अब आपने नहीं लड़ना, इंशाल्लाह कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ वो ज़रा तुन तुन करा कर दें अरबी में कुछ, अहलन व सहलन शलोनी खबी भी शलवार नहीं क्या होगा, इतने जरा चेन भी पा दी। अच्छा यार तू किस तरह दी है जनानी, तू तो मैंने लगता थले ही ला लिया है। दो कड़े ना, ये देखें एंड पे भी डिमांड ही हो रही है। तो नाज़रीन मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे, ऐसे ही हंसते रहें ये दोनों। अल्लाह हाफिज़।